अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान। आज मैं इस गोवा के प्लान को, अमरूद के प्लान को एयरलाइन करने लगा हूँ। तो लेट्स शुरू करते हैं। एयरलाइनिंग बहुत ही अच्छा मेथड है। ये ऐसे ही मेच्योर एक मेरी स्टेप है। इसमें मैंने पहले भी एयरलाइन किया था, ये देखिए, लेकिन वो नाकाम हो गई। तो आज इसको मैं फिर से इसको ऊपर ही करने लगा हूँ। तो इस दफ़ा मैं यूज़ करूँगा कोकोपीट। तो इससे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये एयरलाइनिंग कामयाब होगी। तो लेट्स शुरू करें दोस्तों एयरलाइनिंग। Thank you.
तो लीजिए दोस्तों, इस एयरलर को किए हुए हैं अभी पूरे 30 दिन हो गए हैं, यानी कि एक मंथ, क्योंकि यहाँ हमारे जनूबी पंजाब में, पाकिस्तान में काफ़ी गर्मियाँ थी, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम लगा। मैंने एक दो दफ़ा इसको दरमियान चेक भी किया और साथ में एक दफ़ा पानी भी दिया, खोल कर छापर दोबारा फिट किया, क्योंकि ये सूख जाती है। हालांकि मैंने यहाँ पर इस कोकोपीट इस्तेमाल की थी और फिर भी मुझे एक दफ़ा पानी देना पड़ा, एक या दो दफ़ा। तो अभी इसमें मुझे लग रहा है कि रूट्स निकल आई हैं। तो ये देखिए ऊपर इस पर फ्रूट बना हुआ है और ये छोटी सी टहनी है, तो मैं इसको अभी काटने लगाऊँ। तो काटने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस रहती है भाई। तो अभी मैं इसको काटने लगा हूँ, काटने के बाद फिर चेक करते हैं कि दोस्तों इसमें क्या रहती है प्रोग्रेस। तो मैं यहाँ से अभी दोस्तों इसको काट दूँगा और इसके बाद चेक करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी एक रूट्स मुझे यहाँ एक नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैंने अभी इसको एयर लेयर को अपनी काट लिया है, आपको देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी ड्राइनेस आपको नज़र आ रही है, तो छापर खुश्क है। हालांकि मैंने एक दो दफ़ा इसको पानी लगाया और अभी इस पर एक फ्रूट भी बना हुआ है, और ये देखिए ऊपर भी दो बार्ड्स हैं और नीचे अभी मैं चल के आपको रूट्स दिखाता हूँ। एक रूट्स मुझे छोटी सी भी नज़र आई थी, तो खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या रूट्स बनी है और मेरी एयर लेयर कितने फ़ीसद कामयाब रही है। तो काफ़ी गर्मी है, इसको मैं काफ़ी एहतियात से लगाऊंगा और इसका एक दो हफ्ते बिल्कुल ख्याल रखूंगा, इसको बिल्कुल गर्मी ना लगे और बिल्कुल इसको मैं ठंडक वाली जगह पर रखूंगा ताकि ये मेरी जो एयर लेयरिंग है ये कामयाब हो जाए। तो देखिए जनाब, अभी मैं चल के दिखाता हूँ इसके रूट्स। तो दोस्तों अभी मैं इस अमरूद के पौधे को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस प्लास्टिक पॉट में। ये मेरे पास प्लास्टिक का पॉट है तकरीबन 8 इंच चौड़ा, और ये आप देख रहे हैं इसको 24 घंटे हो गए हैं काटे हुए, और मैंने कल शाम को ही काटा था इसको, और अभी एक दिन बाद इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ी मसरूफी की वजह से टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी मैं इसको लगाऊंगा। तो आज देखिए बिल्कुल ये फ्रेश है, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सेल, और किसी किस्म की मैं और इसमें केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करूँगा, मसलन काउ डंक, गोबर वगैरह, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है। या आज है दोस्तों मेरे पास 12 जुलाई, और 2-4 दिन में वैसे मानसून शुरू होने वाला है, तो इसके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा मौसम। तो अभी मैं काटने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके रूट्स, और इंशाल्लाह ये इसमें 3-4 रूट्स मुझे नज़र आई थी, तो मे भी हो सकता है नीचे और भी हों। तो ये मैंने ऊपर एक इसके बना हुआ था रस्सी बांधी हुई थी, और इसमें कोकोपीट थी, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी रूट्स निकल आए इसमें, और ये इंशाल्लाह कुछ देर में बड़ी हो जाएंगी, और मेरा ये पौधा, मेरा ये एयर लेयरिंग कामयाब हुई है। आपको रूट्स नज़र आ रही हैं, कितनी प्यारी रूट्स है इसकी। तो ये गवावा का ट्री बहुत है, जल्दी एयर लेयरिंग पकड़ लेता है, मतलब इसमें एयर लेयरिंग काफ़ी कामयाब रहती है। इसमें एक फ्रूट भी लगा हुआ है, लेकिन मैं फ्रूट काट दूंगा क्योंकि इसकी रूट्स बिल्कुल छोटी है, तो फ्रूट को काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, और इससे पौधा ड्राई भी हो सकता है। तो इसे मैं बहुत थोड़ी सी पत्ते बचाऊंगा ऊपर टहनियाँ, ताकि इसको ज़्यादा तलब ना हो इस पौधे को खुराक की, और ये मेरा पौधा हरा भरा रहे। तो मैं इसमें अभी डालने लगा हूँ कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सॉइल, और लगाता हूँ दोस्तों, आपको दिखाता हूँ जी।
तो दोस्तों अभी मैंने ये पौधा लगा दिया इस पॉट में। अभी मैं इसके फालतू पत्ते और टहनियाँ काट दूंगा और बहुत ही थोड़ी इसमें बचाऊंगा, ताकि गर्मी भी काफ़ी है और ये पौधे में रूट्स भी कम है और मैं चाहता हूँ ये पौधा मेरा सर्वाइव कर जाए। तो इसमें ज़्यादा पत्ते होंगे तो वो डिमांड करेंगे ज़्यादा खुराक की, ज़्यादा पानी की, और ये पौधा शाख में आके मर भी सकता है। तो इसलिए मैं इसके थोड़े से लीव बचाऊंगा और इंशाल्लाह ये 5-6 माह फिर फ्रूटिंग करेगा, फिर हरे भरे पत्ते निकाल लेगा। तो अभी इसको सिर्फ मैंने सेव करना है 1-2 माह, सिर्फ इसको ड्राई नहीं होने देना, बिल्कुल इसको मैंने तरोताजा रखना है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि फालतू पत्ते और टहनियाँ मैं काट दूँ। तो ये है जी मेरा फाइनल रिजल्ट। पसंद आई होगी और अमरूद का पौधा आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके काइंडली जरूर बताया करें, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल का बटन दबा दिया करें, ताकि अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों अब मैं चाहूंगा इजाजत, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना रखिए बहुत ज़रा ख्याल, और आपसे एक और बात करनी थी कि अभी चंद दिनों बाद मानसून शुरू होने वाला है, तो ये बेहतरीन मौसम है एयरलेयरिंग का, ग्राफ्टिंग का, पौधे लगाने का, सीड लगाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए और इस बाल्ट को सरसल बनाइए। ओके दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। को सरसल बनाइए। ओके दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।